यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये नेजल सिस्टम, कट पोर्शन ऑफ द नेजल सिस्टम। यहाँ पे हम ये कार्टिलेज देख रहे हैं, ये कार्टिलेज सेप्टल कार्टिलेज है। जैसे नेजल सिस्टम जो होता है वो दो बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है, तो यहाँ पे हम कार्टिलेज देख पा रहे हैं, ये सेप्टल कार्टिलेज। अब हम अगर नेजल सिस्टम को यहाँ से हटा कर देखें तो ये हमें पोर्शन दिख रहा है, ये इसकी स्किन देखा, और इसकी स्किन जो होती है बाकी से डिफरेंट होती है, और ये इसकी स्किन पे हेयर होते हैं जिसको हम लोग विब्रिसी भी बोलते हैं, जो और सब मैमल्स में जैसे रैट्स वगैरह रैबिट वगैरह में जो मतलब बाहर रहता है, और लेकिन ह्यूमंस में ये देखिए ये अंदर रहता है, इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब आते हैं ये देखिए, ये तीन चीज़ आपको दिख रही होंगी, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्का, ये सुपीरियर नेजल कॉन्का, ये मिडिल नेजल कॉन्का, और ये इन्फीरियर नेजल कॉन्का। इन तीनों कॉन्का के लिए ये देखिए तीन मियाटस भी दिख रहे होंगे, ये इन्फीरियर मियाटस, ये मिडिल मियाटस, और ये सुपीरियर मियाटस। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कट पोर्शन है, ये स्पेनोइडल साइनस, और यहाँ पे इथमोइडल साइनस। तो ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये है स्पिनो इथमोइडल रिसेस। अब ये देखिए हम आते हैं मियाटस पे, तो सबसे पहले आते हैं इन्फीरियर मियाटस पे। इन्फीरियर मियाटस के पास आपको एक ये ओपनिंग दिख रही होगी, ये दिख रहा है नेसोलैक्रिमल डक्ट, ये ओपनिंग, और वॉल्व थोड़ा कट गया है, लेकिन वो देखिएगा तो थोड़ा दिखेगा, मतलब फील आ रहा होगा वॉल्व का, वो उस वॉल्व का नाम है हिस्नर वॉल्व, एक नेसोलैक्रिमल डक्ट एंड वॉल्व इज हिस्नर वॉल्व। अब आते हैं मिडिल मियाटस पे जो चीज़ हमें देखनी है वो तो बुल्ला इथमोइडलिस, जो स्वेलिंग है मिडिल इथमोइडल या साइनस की, वो हमें देखनी होती है। तो ये देखिए ये मिडिल इन्फीरियर मिडिल नेजल कॉन्का। अब हम लोग आते हैं मिडिल मियाटस पे, ये देखिए ये जो आपको स्वेलिंग दिख रही है, ये स्वेलिंग आपको दिख रही है, ये स्वेलिंग, ये बुल्ला इथमोइडलिस, और इसमें एक ओपनिंग दिख रही होगी एपेक्स पे, यही मिडिल इथमोइडल एयर साइनस की ये ओपनिंग है। अब यहाँ पे जस्ट इसके ये देखिए, तो ये हाइटस सेमी लूनरिस, एक सेमी सर्कुलर दिख रहा होगा, ये हाइटस सेमी लूनरिस। हाइटस सेमी लूनरिस में तीन ओपनिंग होती है, हालांकि ये तीनों ओपनिंग यहाँ पे दिख नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी एक देख रही है आपको, ये देख रहा मैक्सिलरी एयर साइनस, और दो और साइनस होती है एंटीरियर इथमोइडल और फ्रंटल एयर साइनस, वो दिख नहीं रही है यहाँ पे, मैक्सिलरी साइनस दिख रही है मिडिल मियाटस में। अब आते हैं हम लोग सुपीरियर मियाटस में, तो सुपीरियर मियाटस में देखिए यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं पा रहा है, लेकिन एक पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस होता है, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये फ्रंटल एयर साइनस, और एक्स्ट्रा में ये देखिए, और जो चीज़ हम लोग जानते हैं कि ये देखिए ये वेस्टिब्यूल है, ये एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है, एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये नेजोफेरिंक्स, तो ये इसे हम कोआना, ये देखिए ये है कोआना, ये देख रहे हैं ये वेस्टिब्यूल की ओपनिंग की साइज डायमीटर देखिए, और ये देखिए 1 to 2 millimeter होता है ये कोआना, ये यहाँ से फिर नेजोफेरिंक्स से स्टार्ट होता है, और इसमें तो कुछ नेज़ाई, हाँ ये देखिए। अब आते हैं ये वेस्टिब्यूल, ये मिडिल मियाटस में, ये देखिए ये है वो एट्रियम ऑफ मिडिल मियाटस, ये पार्ट एट्रियम ऑफ, और जो वेस्टिब्यूल और एट्रियम ऑफ मिडिल मियाटस को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। अब यहाँ पे एक और आपको फोल्ड दिख रहा होगा, अगर दिख रहा हो मतलब ये फोल्ड रिज देख लीजिए या फोल्ड कह लीजिए, ये होता है फोल्ड ऑफ, ये इसी को कहते हैं एगरनेजाई रिज या एगरनेजाई फोल्ड। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये रिज या फोल्ड जो भी कह लीजिए, ये एगरनेजाई। थैंक यू।